जयपुर की स्थापना से पहले नाहरगढ़ की पहाड़ियों में एक गणपति मंदिर की स्थापना की गई और यह देश ही नहीं दुनिया का यह इकलौता गणेश मंदिर है जहां पर बिना सूंड वाले गणपति विराजित है। यह भगवान गणेश के बाल रूप का मंदिर है। मंदिर की मान्यता है कि एक बार जो मन्नत मांग ली वह पूरी होती है। कहते हैं यहाँ बिना गणपति की आज्ञा के कोई नहीं आ सकता। दरअसल गणेश जी का यह मंदिर 100 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और इस तक पहुँचने के लिए पहाड़ से ही जाना होता है, तब जाकर गणपति के दर्शन होते हैं। 350 साल से भी पुराना यह मंदिर है, लेकिन आज तक किसी के पास इसकी एक फोटो तक नहीं है। मंदिर और मूर्ति की फोटो लेना अलाउ नहीं है। इस मंदिर की स्थापना राजस्थान के एक पूर्व राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने की थी। पहाड़ पर ही अश्वमेघ यज्ञ किया गया था और बाल स्वरूप बिना सूंड वाले गणेश जी की स्थापना की गई थी। मंदिर को पहाड़ी पर इसलिए बनाया गया था ताकि पूरा शहर चारों ओर से दिख सके। ऐसा है भी, मंदिर से पूरा पुराना शहर दिखाई देता है। मंदिर की मूर्ति इस तरह से लगाई गई है कि जयपुर के राजमहल से दूरबीन की मदद से इसे देखा जा सके। महाराज सवाई जयसिंह द्वितीय हर रोज दूरबीन से दर्शन करने के बाद ही राजकाज शुरू किया करते थे।